नूडल्स मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स मैंने यहाँ पे लिया है, जिसे उबाल लिया है। अब उबले हुए नूडल्स में बारीक कटा हुआ प्याज और गाजर, कैप्सिकम, मिलाएंगे। अब इसमें रेड चिल्ली पाउडर, एक से दो चम्मच शेजवान चटनी मिलाएंगे। आप इसकी जगह टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच मैगी मसाला मिलाएंगे। इससे मंचूरियन का स्वाद और बढ़ जाता है। अब इसमें दो चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे। और दो चम्मच मैदा मिलाएंगे और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाने के बाद इसके इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे। इसके बॉल्स तैयार हो जाने के बाद एक मैगी लेंगे और इसे थोड़ा सा टुकड़ा करके इसके चारों तरफ लपेट लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे बॉल्स को लपेट लेंगे इसमें। तेल भी यहाँ पे गरम हो चुका है और सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम आंच में चारों तरफ से उलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे नूडल्स के बॉल तैयार हो चुके हैं। और इसी तरह बाकी के नूडल्स बॉल भी फ्राई कर लेंगे। नूडल्स के बॉल अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब इसके मंचूरियन के लिए ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तेल गरम करेंगे। अब इसमें कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ गाजर और हरी मिर्च, प्याज डाल लेंगे। और इसे फ्राई कर लेंगे।
अब इन सब के फ्राई होते ही इसमें कैप्सिकम डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें सॉस मिलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच या दो चम्मच टमाटो सॉस मिलाया है। सॉस आप अपने इच्छा अनुसार मिला सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दो चम्मच शेजवान चटनी का यूज़ किया है। और इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और इसमें हाफ चम्मच नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें मिला सकते हैं। अब वेजिटेबल सॉस के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें तैयार किए हुए अब इसमें पहले से तैयार करके रखे हुए नूडल्स बॉल्स को मिलाएंगे और सॉसेस के साथ अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्रेवी भी बना सकते हैं। अभी हमारे नूडल्स मंचूरियन बॉल्स बनकर रेडी हैं।